दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। गुरुजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरुजी, मैं पहले सात्विक साधना करता था और मैं अब राजसिक साधना करना चाहता हूँ, और जो सात्विक साधना में जाप किया है वो राजसिक साधना में ऐड कर सकता हूँ क्या गुरुजी? बताइए गुरुजी। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे साधकों के प्रश्न और उत्तर। जानकारी का संख्या लगभग 42 पहुँच गई है अब तक, और ये सब आप लोगों के कारण ही हुआ है। आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं इन प्रश्नोत्तरों को, तो आज मैंने लगभग 5 प्रश्न लिए हैं और उनके साथ साथ उनके अनुभव भी जो उसमें डाले हैं उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने प्रश्न पूछे हैं उनको भी बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि आपने अभी इनके बारे में सुना, इन्होंने पूछा क्या कि सात्विक साधना को राजसी साधना में बदलना चाहिए या बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो नियमावली के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें ऊंचाई की ओर जाना चाहिए। तो ऊंचाई की ओर जाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप पहले तात्विक साधना भी करते हो तो उसको राजसी में बदल लीजिए, राजसी को जो है आप सात्विक में बदल सकते हैं। तो इस तरह से ज़िंदगी में बढ़ना चाहिए आगे, ताकि मुक्ति की तरफ हम लोग बढ़ें। लेकिन जब ज़रूरत के हिसाब से भौतिक जीवन है, इसलिए कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि हम लोग सात्विक जीवन जीते जीते और कामयाबी ना मिलने के कारण हम राजसी साधनाओं की तरफ मुड़ने लगते हैं कि राजसी साधना करके हम खान पान को अपने और अच्छा बना सकें, या यूँ कहिए कि नॉन वेज से की तरफ बढ़ सकें, या इसी तरह की और भी चीज़ों को आप कर सकें। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि संकल्प ले लीजिए, अगर सात्विक साधना छोड़ना चाहते हैं तो संकल्प ले लीजिए और माफ़ी मांग लीजिए कि मैं इस कार्य को करने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए माता या जो भी आपके इष्ट हैं उनसे माफ़ी मांगिए और कहिए कि मैं आज से आपकी सात्विक साधना करने की लायक नहीं रह गया हूँ, इसलिए माँ मुझे क्षमा कीजिए, मैं राजसी साधना आपकी करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे राजसी साधना करने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए और आज के से मैं राजसी साधना ही करूँगा। इस प्रकार से करने के बाद में संकल्प लीजिए, अपना जल नीचे छोड़ दीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए और हो सके तो एक हवन कर लीजिए, और हवन में इस बात की प्रार्थना करते हुए कि मैं सात्विक साधना से राजसी साधना बदलना चाहता हूं, तो आपको क्षमा मिल जाएगी और आप राजसी साधना आगे से कर सकेंगे। लेकिन कहने के मूल अर्थ यहां पे ये है कि वैसे नियम ये होता है कि वैसे व्यक्ति ज़्यादातर तामसिक साधना पहले करते हैं, उसके बाद उसको राजसी साधना में बदल के आप उच्च लोगों की तरफ बढ़ जाते हैं, और राजसी साधना को भी अगर सात्विक साधना में बदल लिया जाए तो और भी ज़्यादा मुक्ति की तरफ हम बढ़ सकता है। तो हालांकि परिस्थितियां अगर साथ ना दें तो ऐसा किया जा सकता है, ये यहाँ पर बताने का मूल उद्देश्य यही है कि आप परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया होती है और आपको संकल्प लेना होता है माता से कि माँ मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ, या जो भी आपके इष्ट हो उनसे कह दिए कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और क्योंकि मैं भौतिक जीवन में आप कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ इसलिए राजसी साधना करना चाहता हूँ, मुझे मोक्ष से प्राप्ति जो करनी है उसकी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा सिर्फ स्वर्ग तक की ही जाने की है, इसलिए मैं राजसी साधना करना चाहता हूँ, और आप मुझे अपनी कृपा और सानिध्य में इसी प्रकार रखिए और इसी प्रकार मुझे आगे के जीवन के लिए प्रेरणा देते रहिए। तो इस प्रकार से आप जो है जल लेकर के संकल्प लेकर के आप साधना को बदल सकते हैं। अब अगला इन्होंने पूछा है कि शिव साधना और कुंडलिनी के बारे में एक अनुभव के रूप में और प्रश्न भी हैं, तो चलिए पढ़ते हैं उनके पत्र को। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताना चाहती हूँ, उसके बारे में जानना भी चाहती हूँ। मैं शिव जी की भक्त हूँ, मुझे शिव जी के और शिवलिंग के सपने आते रहते हैं, मैं शिव जी की पूजा करती हूँ। बीच में 5 साल किसी कारण से मेरी पाठ पूजा कम हो गई थी, इसके बाद मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से अभी मुझे सपने में भगवान शिव जी के दर्शन नहीं हुए, तो 1-2 दिन को सपना नहीं आया उनका, पर एक दिन मैं सोती हुई तो मैंने देखा कि शिव जी की परछाई थी, और बाद में मेरा ध्यान गया उनके गले के सांप के ऊपर जो ऊपर उठा हुआ था और मुंह खुला हो उसका खुल रहा था। फिर मैं जग गई और मैंने वापस रोज़ भक्ति पूजा पाठ करना चालू कर दिया। फिर थोड़े ही दिन हुए पूजा और जाप करते हुए, एक दिन पूजा और जाप करते टाइम अचानक बहुत तेज झटके लगने लगे बॉडी में, और मेरे पेट में कुछ गोल गोल घूमने लगा, कुछ ऊपर की तरफ आ रहा था जिसे बंद, बाद में मुझे पता चला कि ये चक्र जागृत होना इसे कहते हैं।
इसके थोड़े ही दिन बाद रात को सोते समय अचानक मेरे शरीर पर ठंडी हवा आई और सारी बॉडी सुन्न हो गई। उसके बाद जो पेट के ऊपर का तीसरा चक्र होता है वो घूमने लगा और सिर के पीछे बड़ा सा गोल घूमने लगा। थोड़ी ही देर में शरीर फ्री हो गया और मैं डर गई क्या हुआ फिर से, फिर मैं सो गई। बाद में मैं अपनी पूजा पाठ करती रही और एक रात में वापस मेरा शरीर सुन्न हो गया। मेरे दोनों हाथ अपने आप जो है छोटा चक्र ऊपर से आया और पास ही शरीर की जो है आवाज़ चली गई, मतलब इस तरह से उनको हुआ। एक अजीब सा घर घर का जो है वाइब्रेशन जैसा आवाज़ कानों में बजने लगी, जिससे ना थोड़ा मैं डर गई कि आखिर ये क्यों हो रहा है। फिर सब ठीक हो गया और फिर ये किस तरह की आवाज़ थी, ये सब रात को होता है सोते ही टाइम क्यों, मेरे पास कोई गुरु भी नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं सब के बारे में कुछ नहीं जानती, बस अभी भक्ति करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको गुरु मंत्र लेकर के गुरु मंत्र की जाप करनी चाहिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा उस ऊर्जा को सहने लायक नहीं। गुरु मंत्र के द्वारा हम लोग उस ऊर्जा को सहने लायक हो जाते हैं, क्योंकि आपके साथ उस ऊर्जा को सहने के लिए आपका गुरु होता है, आपके सहयोगी लोग होते हैं। जैसे कि जो लोग भी गुरु मंत्र का जाप करते हैं उन सबको उस शक्ति का असर या यूँ कहिए कि उसका जो बुरा असर या चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। अंतरिक्ष में बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो गुरु मंत्र का जाप करके शरीर छोड़ के चली गई हैं, वो सब भी आपकी सहायता करती हैं। इसलिए गुरु मंत्र ले लीजिए और इस क्षेत्र में धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। कानों में आवाज़ आना, इसी तरह से आपके चक्रों का जागृत होना, ये सब तो साधनाओं में होता ही होता है, इसलिए आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत होइए और आगे बढ़िए और गुरु मंत्र ले लीजिए ताकि आपको कोई समस्या ना आए। और उस क्षेत्र में मंत्र को विधिवत तरीके से जब आप जपेंगी तो आपको और भी ज़्यादा उससे फायदे होंगे। इसी प्रकार से एक अगला प्रश्न जो है वो ये है कि माँ लक्ष्मी और उनके 18 पुत्रों की साधना करने से जो शुक्र ग्रह की शांति हो जाती है, तो इस पर जो है उन्होंने एक आर्टिकल में दिखा था, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। जानते हैं कि जो धन की देवी माता लक्ष्मी है इनका शुक्रवार का दिन माना जाता है और तंत्र शास्त्र के अनुसार सटीक उपाय करने से वो जल्दी प्रसन्न भी हो जाती हैं। इसलिए शुक्रवार को दक्षिणावर्ती शंख में कहते हैं जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। पीले कपड़े में 5 लक्ष्मी पीली कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांधकर धन के स्थान पर रखने से कुछ ही दिन में इसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है, यानी धन की वृद्धि इससे होती है। इसी दिन 3 कुंवारी कन्याओं को घर में बुलाकर खीर खिलानी चाहिए, पीला वस्त्र और दक्षिणा उनको देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। इसके अलावा शुक्रवार के दिन श्री यंत्र का गाय के दूध में अभिषेक करना चाहिए, अभिषेक का जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए और श्री यंत्र को कमलगट्टे के साथ धन स्थान पर रखते हैं, इससे धन भी बढ़ता है। शुक्रवार के ही दिन माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है और शुक्र ग्रह क्योंकि भौतिकता का प्रतीक होता है, इसलिए भौतिक जीवन के लिए शुक्र ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। हालांकि जिन लोगों के शुक्र मजबूत ना हो वो माता लक्ष्मी की साधना करके उसको मजबूत कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, शाम के में घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाना होता है, बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें और थोड़ी सी केसर भी उसमें डाल दें। शुक्रवार को दान भी देना चाहिए, इस दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का जो है दान करेंगे, गाय की सेवा करेंगे तो माता की प्रसन्नता आपको मिलती है। माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों का नाम जाप करके आप शुक्र ग्रह को भी प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को भी विशेष प्रसन्न कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन इनके नाम के आरंभ में और अंत में ओम नमः लगाकर जप करने से धन की प्राप्ति होती है। इनके नाम इस प्रकार से है, ओम देव सखाय नमः, ओम क्लिंगताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः। तो इस तरह से इनके 18 जो है पुत्र हैं, इनका साथ जो है माँ की लक्ष्मी की पूजा करने से धन वैभव में वृद्धि होती है, शुक्र ग्रह की भी शांति होती है। तो इसी प्रकार का अब एक और अनुभव है, उसको जो है देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इनका जो लेटर है। तो गुरु जी आपको और दर्शकों मित्रों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश सनवानी, अंबिकापुर से हूँ। सर मैंने अभी कुछ महीने से धर्म रहस्य चैनल को ठीक से नहीं देख सका, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। गुरु जी मेरा आज का और
आज से पहले दो बार का अनुभव रहा है कि जब कभी भी मैं रात को 10 बजे के बाद दुर्गा माता की पूजा अपनी किसी परेशानी को दूर करने के लिए करता हूँ, तब पूजा तो मेरी अच्छे से हो जाती है, पर 4-5 बजे सुबह यानी कि भोर के समय मेरे घर में चींटियाँ, छोटी वाली जो होती हैं, वो लगभग 1000 से ज़्यादा कहीं से आ जाती हैं, और सबसे अधिक पूजा घर में उसके कम मेरे रूम में और थोड़ी थोड़ी मेरे कमरों में, जमीन और दीवारों पर आ जाती है। ऐसा बार बार चींटियों का पूरे घर में फैल जाना किस बात का संकेत है, किस बात का संकेत करता है, प्लीज़ सर बताएं, मेरे लिए एक गुरु तुल्य मार्गदर्शन आप हैं, प्रणाम कर सर। गुरुजी मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, गुरुजी मैं इस नवरात्रि में आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, प्लीज़ गुरुजी मुझे आज तक कोई खास रियल अनुभव भी नहीं हुए हैं, गुड मॉर्निंग गुरुजी, हैव ए नाइस डे। तो देखिए इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ, सीधा सीधा इसका अर्थ ये निकल के आता है, चींटियाँ जो होती हैं वो आपके पितरों का प्रतीक होती हैं, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि आपके पितर अच्छे लोकों में नहीं जा पाए हैं, इस वजह से वो परेशान हैं, तो जब भी माता की पूजा करते हैं तो उसका वो फल लेने के लिए आपके यहाँ पास आते हैं। साथ ही साथ आपको ये बात भी पता लगती है कि कहीं ना कहीं आप पितृदोष के कारण ही थोड़ी सी परेशानी में भी हैं, हालांकि पितृदोष बड़ा नहीं है, छोटा सा ही, बहुत ही छोटा पितृदोष है, इसके कारण से वो शक्तियाँ आपके पास आकर स्वयं ही कोशिश करती हैं कि आपकी पूजा का कुछ फल उनको मिल जाए, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी संख्या में चींटियाँ आ जाती हैं। तो इसका पूर्ण अर्थ आपके पितरों से है, तो पितरों के निमित्त जो है आप पूजा भी करा सकते हैं, और ये आप पितृपक्ष जब आएँ तब आप कर लीजिएगा, ताकि आपकी समस्याएँ और जो हैं वो सब नष्ट हों, और माँ की कृपा से उनको भी अच्छे लोगों की प्राप्ति हो, और आपके जीवन में भी संकट दूर करने में वो शक्तियाँ आपकी सहायता करें। इसी प्रकार से एक और अनुभव है, तो यहाँ पर उन्होंने अपना नाम बताने के लिए एक मना किया है, तो चलिए उनका नाम हटा लेते हैं, उनके नाम को हटा के पढ़ते हैं क्या है उनका अनुभव। गुरुजी प्रणाम, मैं हरियाणा कैथल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ईमेल पर वीडियो आपने पहले बनाया है, मेरे सपनों का मतलब भी बताया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं हो सकता है, आप सर्वज्ञानी हो, और आज मेरे पास एक छोटा सा सपने का मतलब आपसे पूछना है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर भी वीडियो बना लीजिएगा, मेरा नाम मत बताइएगा। जैसे कि मैं हर रोज़ मंदिर जाता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, मैंने आज अपने गुरु मंत्र को साक्षी मानकर प्रार्थना की मुझे कुछ बताए और मुझे कुछ रास्ता दिखाए। मुझे रात को सपना आया कि मैं मंदिर में शिवलिंग के पास बैठा हूँ और रक्षा मंत्र का जाप कर रहा हूँ, और वो मंत्र मैं हर रोज़ जाप करता हूँ, और वहाँ एक 12 से 13 साल का लड़का भी था, वह मुझे कहता है कि मुझसे दूर रहो, मुझे टच मत करो, दूर रहो, और मैं मन में सोच रहा था कि इसकी अभी उम्र ही क्या है, और तभी वहाँ पर वो बाबा जी आ गए जो उस मंदिर के महंत थे, वो मुझे सपने में वो दिखते रहते हैं, और मैं आपसे ये भी बहुत समय से जानना चाहता हूँ कि हम जैसे कि रक्षा मंत्र का जाप करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, क्या वो हमारे मोक्ष में भी सहायता करता है, क्या हमें रक्षा के अलावा क्या क्या फल मिलता है रक्षा मंत्र के जाप से। गुरुजी और धर्म रहस्य के सभी भाई बहनों मेरे नमस्ते, एक बात, हमें बचपन में ही पूजा पाठ सीखना चाहिए ताकि बड़े होकर मंदिर में जाते समय हम शर्माएं नहीं, और आजकल ऐसा समय है कि हम किसी से को क्या कहें, आजा मंदिर चलते हैं, उसका आगे जवाब होता है तो मंदिर तो लड़कियां जाती हैं, इस कारण से भी हमारी संस्कृति काफ़ी पीछे छूट रही है, कृपया इस बात पर सभी लोग गौर करें, धन्यवाद। तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो है आपकी सोच अच्छी है कि आप संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं, और पूजा पाठ लोग भूल चुके हैं, क्योंकि पूजा पाठ का अर्थ मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप गुरु दीक्षा वाले मेरे जो है पेज पे जाइए और आपको पता लगेगा कि आखिर गुरु दीक्षा की आवश्यकता जीवन में होती ही क्यों है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि वास्तविकता जीवन की क्या है। संस्कृति हमारी पीछे छूटती चली जा रही है, ये भी बहुत ही बड़ी एक समस्या है, और हमें अब धर्म कर्म के क्षेत्रों में कम इंटरेस्ट रह गया है, सिर्फ अपने शरीर की सेवा सत्कार में हम लोग लगे रहते हैं, और वो भी एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, इस बात को कोई नहीं जानता, सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम कुछ भी सोचते और करते रहते हैं, खैर वो अलग विषय है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले आपके प्रश्नों के जवाब आपने पूछा था कि आप जो है आपने कहा अपने मंत्र को, गुरु मंत्र को, कि आप वो कुछ रास्ता दिखाइए, तो जब आप मंत्र का जाप कर रहे थे वहाँ पर एक 12-13 साल का लड़का आया, तो ये 12-13 साल का लड़का आपसे कहता है मुझसे दूर रहो, तो इसके देखिए दो अर्थ निकल के आ सकते हैं। पहली बात तो 12-13 साल का जो लड़का है, ज़्यादातर दो तरह की आत्माएं होती हैं, अब चूंकि वो मंदिर में है आत्मा, तो ऐसे ही कोई आत्मा मंदिर में नहीं रह सकती, इसका मतलब 12-13 साल के लड़के का मतलब वहाँ पर बटुक से है, बटुक यानी कि बटुक भैरव जी।
अब बटुक भैरव जी आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप मुझसे दूर रहो? इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि आप कोई ऐसी चीज़ कर ले जा रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह से वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। अब जो भी आपके गुरु हैं या बाबा जी के रूप में जो आपको नज़र आते हैं, वो उनका कहना यही है कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िए, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां ना कीजिए जिसकी वजह से आप भैरव जी से दूर हो। भैरव जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहनी चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में और ज़्यादा कामयाबी की तरफ लेंगे। और किसी वजह से जो है भैरव जी आपसे जो है अच्छी तरह व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आप कर रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात आपने की निकल के आती है, आपने पूछा है कि रक्षा मंत्र किन किन चीज़ों में उपयोगी होता है। तो रक्षा मंत्र जो होता है वो आपका मूलतः तो जो बनाए गए हैं दो तरह के, एक वैदिक रक्षा मंत्र भी हैं और साबर रक्षा मंत्र भी। साबर रक्षा मंत्र केवल शरीर की रक्षा करते हैं, इसके अलावा उनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो रक्षा मंत्र है वो किस देवी देवता का है। अगर वो बड़े देवी देवता का है तो निश्चित रूप से आपको और कामों में भी आपकी सहायता करने लगता है। और अगर गुरु मंत्र ही आपका रक्षा मंत्र है तो फिर तो आपको मोक्ष का भी वो मार्ग आपके लिए खोलता है, स्वर्ग का मार्ग आपके लिए खोलता है अगर गुरु मंत्र ही आपका रक्षा मंत्र है तो। इसलिए ही ज़्यादातर गुरु मंत्र ही रक्षा मंत्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसा तांत्रिक मंत्र होना चाहिए जो सभी प्रकार के आपके कार्यों को करें, यानी मल्टी कार्यों को करने में सक्षम हो, यानी कि वो रक्षा भी करे, आपको स्वर्ग की ओर भी लेके जाए, आपका भौतिक जीवन भी संपन्न बनाए और मोक्ष भी दिलाए। तो इसी तरह के जो है कुछ ही दो चार मंत्र हैं जो इस तरह के मंत्र होते हैं, और आप पता कर सकते हैं कि कौन से ऐसे मंत्र हैं जो तांत्रिक मंत्र भी हैं और आध्यात्म की सबसे ऊंचाई पर लेके भी जाने वाले हैं। उसी में से जैसे मैं जो मंत्र देता हूँ वो उसी में शामिल है और वो पहला स्थान उसका आता है। तो इसी तरह से ये होता है कि आपके लिए जीवन में वो रक्षा भी करे, आपको भौतिक जीवन में भी आपको आगे बढ़ाए, और साथ ही साथ आपके साथ जो है और भी कार्यों में वो सहायता करे। तो अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं। अब कौन सा मंत्र आप जपते हैं मैं नहीं जानता, तो उस मंत्र के हिसाब से मैं आपको बता सकता था कि ये मंत्र इसका ये अर्थ है, इस मंत्र के जाप से आपको सिर्फ और सिर्फ रक्षा ही मिलेगी, या फिर आप जैसे मैंने कई बार मैंने देखा जैसे यक्षिणियों के रक्षा मंत्र होते हैं, जैसे मैं यक्षिणियों की ही बात कर रहा हूँ, या चाहे अप्सरा का ही रक्षा मंत्र हो, या तो वो जो है सिर्फ रक्षा करेंगे, वो आपकी जो है भौतिक जीवन में आपको कुछ नहीं दिला पाएंगे और ना ही जो है आध्यात्मिक जीवन में आपको कुछ करा पाएंगे। लेकिन किसी जगह अगर भगवान शिव का मंत्र है या माता का मंत्र है, भगवान विष्णु का मंत्र है, तो वो आपके आध्यात्मिक रास्ते को भी खोलेगा, क्योंकि वो बड़े देवताओं का मंत्र है, वो संसार के पालक हैं, वो एक रक्षक हैं। और तो इसी प्रकार से जैसे जितना आपका इष्ट मजबूत होगा उसका रक्षा मंत्र आपको मिला हुआ है तो आपकी ज़िंदगी में और भी आगे आपको बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से ये थे आज के प्रश्न कुछ। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।